नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। और ऐसे में विपक्ष के बार बार सरकार पर बनाए जा रहे दबाव के बीच देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से उन हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है जो परीक्षा को लेकर के संशय में थे। रिपोर्ट देखिए। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक या गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, ऐसे में एग्जाम रद्द करने की मांग सही नहीं। पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख छात्रों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं। पूरे देश में पेपर लीक होने की बात साबित करने के लिए अदालत के सामने कोई ठोस आधार नहीं रखा गया। हाँ, अगर कुछ सेंटर्स के ज्यादा मार्क्स देखने में आए तो उन्हें पेपर लीक से जोड़ा जाना उचित नहीं। इस मामले में व्यवस्थागत लीक की बात साबित नहीं हुई है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर आईआईटी विशेषज्ञों ने मंगलवार को अदालत में विवादित प्रश्न को लेकर भी अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ऑप्शन 4 को सही माना गया है। अब बुधवार से नीट यूजी की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। फिर एक बार देश की विद्यार्थियों को, देश की नौजवानों को, देश की उन विद्यार्थियों की अभिभावकों को और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार उनकी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है और हम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित करने वाले ताकत को बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि नीट का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा गया था। कई बार सड़क पर इसे लेकर प्रदर्शन हुए। दिल्ली से बिहार और झारखंड तक की राजनीति गरमाई थी, पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से छात्रों ने बड़ी राहत महसूस की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब बात करेंगे भारी बारिश के बाद जुलाई वाले जल सितम की जो की जारी है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और दरकते हुए पहाड़ों ने उत्तराखंड वालों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी जैसे जिलों में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ गुजरात और MP जैसे राज्यों में भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ पर मौसम की दोहरी मार पड़ रही है, एक तरफ मूसलाधार बारिश और दूसरी तरफ दरकते पहाड़। आलम यह है कि कहीं रास्ते बंद है तो कहीं सुरंगें सैलाबी समंदर बन गई। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास बनी सुरंग गाड़ियों के लिए आफत बनती जा रही है। भारी बारिश के बाद सुरंग के अंदर कीचड़ और दलदल हो गया है। जहां गाड़ियां फंस रही हैं, वहीं सुरंग के मुहाने पर पत्थर गिर रहे हैं। लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। हालांकि मौके पर मलबा हटाने के लिए BRO ने मशीन लगाई है, पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं, लेकिन हर दिन सुरंग के पास के हालात बदलते जा रहे हैं। चमोली के दशोली विकास खंड के गुनियाला गांव में भारी बारिश के बाद रास्ते तबाह हो गए। बारिश के बाद भारी मलबा आ गया, वहीं स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। स्कूली बच्चे टूटी पहाड़ियों से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। बरसात के दौरान हर साल गुनियाला गांव की स्थिति इसी तरीके से खतरनाक बनी रहती है। वहीं भारत चीन सीमा से जुड़े हुए मलारी गांव में लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे सिंचाई की नहर भी टूट गई है। वहीं गांव की महिलाओं ने नहर को ठीक करने की कोशिश भी की। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलाब कोटी बाजार से आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। पंगनों गांव से मलबा और बरसाती नाले के उफान पर आने से पूरा बरसाती नाला सड़क पर बह रहा है। वहीं पहाड़ों से आ रहा मलबा भी सड़क पर जमा हुआ है,
जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से पहाड़ में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। पौड़ी में भी बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई बार सड़क भी बंद हो रही है। जहां सड़क पर डेंजर जोन बने हुए हैं, वहीं पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं पौड़ी एसएसपी ने यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम की जानकारी को लेकर ही यात्रा करें, इसके साथ ही रूट की जानकारी भी लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहाड़ में बारिश मुसीबत बन गई है। पिथौरागढ़ में बारिश से चंडाक रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से आवाजाही काफी देर तक बंद रही। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।